नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लास में। दोस्तों BPSC संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा यानी BPSC का जो आपका परीक्षा होने वाला है 17वीं जो BPSC होगा उस परीक्षा के बारे में देखो, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन, एक महत्वपूर्ण अपडेट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अपडेट निकल के आ रहा है, ये अपडेट ये है कि जो BPSC के जो 17वीं संयुक्त परीक्षा होने वाली प्रीलिम्स की उनकी जो सीटें हैं उनकी संख्या क्या हुई है, सीटों की संख्या मतलब बढ़ाई गई है ये कहा जा रहा है। यानी बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया गया है, लगभग कितने तो लगभग 1900 सीटें जो है इसके लिए आई है BPSC के लिए, BPSC प्रीलिम्स के लिए। अभी तक कभी 500, 1000 इसे ज़्यादा नहीं जाता था, 1200 इसे ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन पहली बार 1900 हुआ था। लेकिन अब 1900 को भी बढ़ा के 2027 पोस्टिंग कर दी गई है। और अब दोस्तों है आवेदन भी जो आपका 18 तारीख तक की लास्ट डेट था, लेकिन अब 18 तारीख नहीं, अब जो है 4 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 4 तारीख तक आपके अगले महीने के, अभी आपको यहाँ पर लगभग 6 दिन का मौका दिया गया है, तो आप भर सकते हैं। आइए पूरा खबर देखते हैं। कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा है, उसके लिए सीटों की संख्या के साथ आवेदन की तिथि भी है वो बढ़ा दी है, लगभग 27 आपका 2027 मतलब कह सकते हैं, ठीक है, 2027 जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई है। और वही दोस्तों देख लो, सचिव की परीक्षा नियंत्रण सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अब जो है ऑनलाइन आवेदन 4 नवंबर तक आप स्वीकार किया जाएगा, 4 नवंबर तक आप आवेदन भर सकते हो। आवेदन में त्रुटि होने पर अगर 19 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सुधार करने के लिए लिंक भी उपलब्ध है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज 19 तारीख की आज आपका लिंक उपलब्ध होगा कि किस तरह से अगर त्रुटि है तो त्रुटि को आप सुधार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका वीडियो चाहते हैं आप इसको कमेंट कर दिए कि त्रुटि कैसे सुधार की जाता है, तुरंत ही आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। 23 सितंबर तक की जो अधिसूचना के अनुसार जो रिक्त पदों की संख्या लगभग 1957 थी, लेकिन अब काफ़ी बढ़ा दिया गया, 2000 प्लस कर दिया गया है। और दोस्तों अब इसमें केवल जो है 9 के लगभग 70 आंतरिक पदों को भी शामिल कर दिया गया, यानी 70 पद जो है वो वैकेंसी 70 जो है बढ़ाई गई है, यानी 1957 था, 1957 में 70 पद बढ़ाए गए हैं तो 2027 होते हैं, तो इतने 70 पद बढ़ाए गए तो ये अच्छी बात है। और वही संयुक्त परीक्षा 17वीं संयुक्त परीक्षा 2027 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, और इसमें प्रोवेशन पदाधिकारी के लगभग 35 पोस्टें हैं। वही सहायक निबंधक सहयोग समिति एवं समक्ष के लिए 29 पोस्टें हैं तथा वित्तीय प्रासंगिक पदाधिकारी एवं समक्ष के 6 पद शामिल हैं, ठीक है दोस्तों, यानी सब मिला तो 70 होते हैं। और यदि कोई अभ्यर्थी अपने ओटीआर यहां पर देखने को मिल रही है, ओटीआर तो ओटीआर का नया रूल आया है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन अगर करना चाहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम, एक ही बार अब ओटीआर करेंगे, यानी इस ओटीआर का ये मतलब है कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर कभी भी बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो उस बीपीएससी के फॉर्म में बार बार यही पासवर्ड डालो, यही लॉगिन करो और हमेशा इसको क्या कर सकते हो, इससे आप फॉर्म भर सकते हो। बार बार आपको लॉगिन पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, याद रखना जिंदगी भर के लिए काम आएगा। वही देख लो 19 अक्टूबर से उपलब्ध होगा ये कहा जा रहा है, और इसमें अभ्यर्थी अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर रजिस्ट्रेशन के अनुकूलों को सुधार कर सकते हैं, याद रखना। नाम में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया, माता पिता का नाम है तो ये सब कभी नहीं सुधरने वाला है, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह गलत हो गया तो वो सब अपलोड हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। हालांकि डॉक्यूमेंट कभी अभी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया तो, लेकिन अगर आप ईमेल करते हैं तो ईमेल से सुधार किया जाएगा, क्योंकि ईमेल अभी ज़्यादा पड़ रही है BPSC, ध्यान देना, क्योंकि हमने भी ईमेल किया है तो हमारा भी 2-3 दिन के अंदर सुधार हो चुका है। तो चलिए ये था आपका अपडेट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।